और रास्ते में भाई इतने ज्यादा आइलैंड आए थे और उनके ऊपर लोग रह रहे हैं, गांव बसे हुए हैं। चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, दाढ़ी वाड़ी काट लेना, एकदम बच्चा और लग रहा हूँ मैं खुद को। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी हूँ मैं मयमन सिंह में ना, कल था मैं सिलेत में, सिलेत से मैंने मयमन सिंह की बस पकड़ी। कल ऐसा कुछ स्पेशल हुआ नहीं, वीडियो बनाई मैंने लेकिन मजे नहीं आ रहे थे यार, और बेफालतू में बस वो कोई अच्छा सा थंबनेल ढूंढ के यार वो करना मजे वाली बात नहीं है। तो आज मैं मेरी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ। आसाम से ब्रह्मपुत्र रिवर निकल के बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर भयानक रूप ले लेती है। इतनी बड़ी हो जाती है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे अपनी वो रिक्शा कम दिख रही है, दिख भी रही है ना, उन सब के अंदर लोगों ने बैटरी और मोटर लगा रखी है। अब जैसे मैं भी एक ट्रेडिशनल रिक्शा में बैठा हूँ लेकिन इसमें भाई साहब पैडल नहीं मार रहे हैं, इसमें मोटर लगा रखी है, मोटर और बैटरी। दादा सिंगल जाइब होता ना, सिंगल ना, सिंगल ना, शेयरिंग द सवारी सवारी बोल रहा हूँ मैं भी, पता नहीं बंगाली मराठी पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज का मिक्स कर रहा हूँ। सिंगल ना सवारी, जमालपुर जमालपुर। धन्यवाद। ये अंकल जितने मस्त थे इन्होंने एक तो रीजनेबल रेट दिए और मुझे जहाँ से डायरेक्ट ऑटो मिलेगा एकदम वहाँ छोड़ के आए, मस्त अंकल थे यार। मैं अभी शेयरिंग CNG में जाने वाला हूँ, रिजर्व में भी जा सकता हूँ लेकिन रिजर्व में बेफालतू में बहुत महंगा पड़ेगा और मेरे पास अभी टाइम कितनी कमी है नहीं, तो वेट करते हैं अपने और जितने लोग साथ होंगे उतने मज़े आएंगे। लगभग आधे घंटे के वेट के बाद जो ऑटो वाले भाई साहब हैं वो निकल पड़े हैं मयमन सिंह से जमालपुर की तरफ। दादा कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे की राइड होने वाली है ये ऑटो के अंदर यहाँ से जमालपुर। यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस कारण से बड़ा लंबा जैम लगा हुआ है। ये देखिए टाटा की गाड़ी, यहाँ पे लगभग ऑटो जितने भी है ना वो सारे के सारे बजाज या फिर TVS वाले ही हैं, लगभग इंडिया से इम्पोर्ट होते हैं और जो ई रिक्शा है वो चाइना वाली, बैक टू बैक चाइना और इंडिया यहाँ पे मिंगल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ज़्यादातर आपको या तो चाइनीज़ गाड़ियाँ देखने को मिलेगी नहीं तो इंडियन गाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो बाइक हैं वो बजाज की भी हैं, हीरो की भी हैं और TVS की भी हैं, बजाज डिस्कवर, और मेनली जो ट्रक्स हैं वो टाटा के हैं। दादा देवानगंज बस जानी, रिजर्व निया सवाल कुछ है गेट पर जाना, वो गेट गेट पार, गेट पार कितना दूर हो गए? नो 2 किलो 2 किलोमीटर। जमालपुर से मुझे निकलना है देवानगंज और यहाँ पे कोई बसेस वसेस की सर्विस तो है नहीं, तो यहाँ से एक और CNG पकड़ के मुझे देवानगंज पहुँचना है और देवानगंज से फिर आगे ट्रेन जाए बो ट्रेन जाबे रेल जाबे रेल रेल जाबो कोठे जाबे टाइम आधा घंटा बाद जाबो ठीक है, तो ट्रेन स्टेशन जाबो देवानगंज जाबो ना ट्रेन। पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ मैं लेकिन क्या करूँ यार, यहाँ पे लोगों को हिंदी आती नहीं है तो जैसी टूटी फूटी बंगाली बोले काम चला रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रेन कब होवे जाबो? हाँ ट्रेन नहीं नेक्स्ट ट्रेन दादा नेक अगला ट्रेन टाइम नहीं ट्रेन नहीं तो CNG ना पहले आ जाता ना तो ट्रेन मिल जाती है वाली लेकिन कोई नहीं। धन्यवाद। देवानगंज 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 तो देवानगंज का ऑटो मिल गया है मुझे
अब देखते हैं भाई साहब कितनी देर में निकलेंगे, उसके बाद चलते हैं। क्यों नशे दादा, क्यों नशे, भालो आ दादा, नदी के ऊपर जाना है, ऊपर जावे। हाँ, फेरी मिल जावे, नौका नौका घाट घाट, कौन सा घाट, की जगह नाम की पे, बुरारी घाट, फुटानी बाजार का, हमने वही पारे जावे, नदी वही पारे जावे। हाँ हाँ, वही पारे जावे, रंग ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके जावे। ये भी हमने फुटानी बाजार घाट, असल में बहादुरबाद घाट बोलते हैं, हम कोनो घाट नहीं, बहादुरा घाट, बहादुरबाद आगे सिले আমি সামনে যান কত আছে চল্লিশ টাকা। ধন্যবাদ দাদা, ধন্যবাদ দাদা। আপনার নাম কি দাদা? মোহাম্মদ আজান, দিওয়ানগঞ্জ। আরে দাদা কেউ বোল রাখে তো, রশিয়ান ইত্যাদি অন্দর ইনবিল্ড হো চুকি, হর বাত পিছে দা লগা দেতা হুম। তো দিওয়ানগঞ্জ পৌঁছ চুকা হুম, আর আব দিওয়ানগঞ্জ কে ঘাট পে যা রা হুম ব্রহ্মপুত্র কে, আর ওয়াসে ফির ব্রহ্মপুত্র ক্রস করনে ওয়ালা হুম আজ। और ये कोई मेरा प्लान नहीं था और ना मुझे इन जगहों के बारे में पता था, ये बस मेरे एस्टिमेट थे कि यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, और बड़ा शहर लग रहा है तो क्या पता यहाँ से नाव क्रॉस करने के लिए जगह मिल जाए, और जो मेरा एस्टिमेट था वो एकदम सही निकला। आज मैं ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करने वाला हूँ, और नदी के उस पार पहुँचने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि एक सिंगल बोट पकड़ के, जिसके अंदर मैं हूँ और जो नाविक होगा बस, और फिर हम दोनों ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जाएंगे और एक आइलैंड ढूंढेंगे, और उस आइलैंड में अगर कोई गांव मिल गया उस गांव के अंदर एक रात रुकूंगा मैं। अगले दो तीन दिन के प्लान हैं मेरे, देखते हैं कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं कितने नहीं। यार जब तक आप इस टाइप की वाइल्ड चीज़ें ट्राई नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। और ये कोई टूरिस्टिक जगह नहीं है, यहाँ पर टूरिस्ट वूरिस्ट बिल्कुल नहीं आते, ना ही इन जगहों के बारे में मैंने जो बुकलेट्स ली थी ना बांग्लादेश टूरिज़्म की, उनके ऊपर मेंशन था। ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको इतने थ्रिल और इतने एडवेंचर दे के जाते हैं ना कि क्या बताऊं। चल रहा मेमन सिंह से जमालपुर आने के 160 टका, उसके बाद जमालपुर से देवानगंज पहुंचने के 80 टका, और देवानगंज के ऑटो स्टैंड से देवानगंज घाट पहुंचने के 40 टका। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लड बेसिन है। मानसून के टाइम पर आधे से ज़्यादा इस एरिया का पार्ट पानी में सबमर्ज हो जाता है, और इसी कारण से आप जितने भी घर देख रहे हो सारे लगभग देख लीजिए कितना ऊपर है। दादा ऐठो, धान धान हो बे, और सरसों, ये धान इधर चावल की खेती, फिर उधर सरसों, और बीच में पता नहीं क्या हुआ हुआ है। अच्छा ऊ न कहो दादा, ठीक दादा, धन्यवाद। हाँ दादा, हाय भाई, ठीक, धन्यवाद दादा। इन चचा ने मुझे यहाँ पे उतार दिया है, अभी बारिश का टाइम नहीं है तो नॉर्मली तो घाट इधर ही होता है, नाव शायद आपको यहीं से मिल जाएंगी, लेकिन अभी नदी में पानी कम होने के कारण आगे जाना पड़ रहा है। अगर एक हिसाब से आप ढंग से कैलकुलेट करेंगे ना, तो हिमालय का मोस्टली पानी, पूरी हिमालयन रेंज का, वो बांग्लादेश में आके एंड होता है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में। आप हिसाब लगा लीजिए, उधर उत्तराखंड से स्टार्ट होती है अपनी गंगा रिवर, और इधर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये स्टार्ट होती है तिब्बत में, और तिब्बत का पूरा क्रॉस होते हुए और भी बहुत सारी नदियाँ क्रॉस होकर गंगा में मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, और ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर का जो संगम होता है
वो होता है बांग्लादेश के अंदर, और सारा का सारा पानी बांग्लादेश में आके फिर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ये सारे के सारे जो बालू देख रहे हो ना आप, ये पहाड़ों से धीरे 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 यहाँ पता नहीं कितने सालों में इकट्ठा हुई है। तो बांग्लादेश के पास पानी की कमी नहीं है। दादा उई पार शहर नाम की এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় যায় গাইবান্ধা। বিভিন্ন জায়গা হ্যাঁ অনেক কয়েক জায়গায় যায়। তো গাইবান্ধা এই ঘাট হলো গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে যায় ফুলসুরি। ফুলসুরি ওর উপার ঘাট কি নাম? বালাসি। বালাসি এখান থেকে সিলমারি আপনার পার পানে হন তাহলে আপনি সিলমারি যাবেন এখান থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই বালাসি যাবে। হ্যাঁ বালাসি যাবে ওই যে বই আছে না ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ বালাসি ও চিলমারি। হ্যাঁ বালাসি আপনি সিলমারি যান। ये जो नाव दिख रही है ना ये जाएगी बालाशी। आगे बैठ जाऊं लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं उधर पीछे ही रहो। अब कारण पता नहीं क्यों तो बड़ा नौका 3 घंटे 4 घंटे लगभग लोग आ चुके हैं और जो नाविक हैं वो भी रेडी हैं, इंजन चलाने वाले हैं और आगे जो बंदा डायरेक्शन देता है वो भी रेडी है। लगभग शायद 10 से 15 मिनट में हमारी जो बोट है वो यहाँ से निकल पड़ेगी। ये मेरी लाइफ में पहली बार होगा कि मैं किसी नदी को नाव में बैठ के क्रॉस कर रहा हूँ। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है और अभी मैंने भाई साहब से पूछा कि कितना टाइम और लगेगा तो बता रहे हैं लगभग 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे। अभी हम चल रहे थे और जो बोट वाला भाई उसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, नीचे मिट्टी आई और एकदम बोट धस गई यहाँ पे। अभी बोट को निकालने की तैयारी चल रही है और वो भाई साहब लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं हमें और 40 मिनट और लग जाएंगे हमें यहाँ से निकलने में। भाई इतने ज्यादा आइलैंड आए थे और उनके ऊपर लोग रह रहे हैं, गांव बसे हुए हैं। सोच रहा हूँ कि जब मॉनसून का टाइम होता होगा उस टाइम बाढ़ आ जाती है ब्रह्मपुत्र में अच्छी खासी, उस टाइम ये लोग कहाँ जाते होंगे? ये देखिए सामने आपको एक और आइलैंड दिख रहा है। मॉनसून के टाइम पर जो पानी का लेवल है ना वो ऊंचा हो जाता है, ये सब पानी में सबमर्ज हो जाते हैं। उस टाइम यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको डर तो बहुत लगता होगा यार। शायद निकाल दिया अभी भाई साहब, इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। जाएगी 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 जाएगी। बीच में एक और आइलैंड आ गया है
ओ भाई सर कूदेगा भाई सर हमारी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, आ गए, घाट सामने दिख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। मैंने बस एक पतली सी टी शर्ट पहनी हुई है, बाकी लगभग लोगों ने अपने मफलर अब जो भाई बोट कंट्रोल कर रहे हैं, इसको घाट नहीं मिल रहा। नहीं मिल तो गया, फाइनली बोट बंद कर दिया। तो यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म हो रहा है। टाइम बताता हूँ, रुकिए आपको एक बार। 5:10 हो चुके हैं, 1:30 बजे के अराउंड बोट वहाँ से निकली थी। उठा लिए हैं दोनों बैग। आलो ता सुनो, ये लट सिर में ना मार दे यार बस। खत्म तो हुई है ये मजेदार राइड। अब बांग्ला पूछी ना दादा, सिलवाड़ी को तो सिलवाड़ी जावे है ना, सिलवाड़ी कल सुबह, आज होटल की होटल किधर होगा? होटल किधर? गाय बंदा कितना दूर है? 7 किलो। गाय बंदा होटल मिल जावे है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ गाय बंधु, आज रात को गाय बंधु में रुकूंगा और कल सुबह यहाँ से नाव पकड़ के सिलवाड़ी। अब थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन कोई नहीं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ये मेरा होटल, ये था पासपोर्ट। अब मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करनी है कल की, एक वीडियो एडिट करनी है। बस यार किस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।